उत्तरकाशी से वापस देहरादून जाते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने मसूरी में पत्रकारों से बातचीत की। किशोर उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि जिन लोगों ने संगठन में रहकर 2-3 सालों में बहुत ही अच्छा काम किया है, उन्हें उनकी क्षमता को देखते हुए बत्ती वाली गाड़ी मिलनी चाहिए। कहा कि ये इन लोगों ने इन 2-2.5 सालों में बहुत ही अच्छा काम किया है संगठन में रह करके, तो उसमें इन लोगों की क्षमता जो है अगर आपके काम आ सकती है, सरकार के काम आ सकती है, और उससे अतिरिक्त कोई वित्तीय भार स्टेट पर नहीं आना चाहिए, वैसी व्यवस्था के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है और मैं आभारी हूं उनका कि उन्होंने उसको स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि वे भी नया जिला बनाने की बात से सहमत हैं और लोगों की सुख सुविधाओं को देखते हुए भी नए जिलों के सृजन होने चाहिए। मैं इस पक्ष में हूं, जैसे छोटे राज्य की अवधारणा है उसी तरह से आवश्यकता और जनता की सुविधा के अनुसार छोटे जिलों का सृजन होना चाहिए और वो हमारे 2012 के घोषणा पत्र में भी है और मैं उसके पक्ष में हूँ। मैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संसाधनों की वजह से हम नई जिलों का सृजन नहीं कर पाएंगे, तो मैंने फिर उनके पास घोषणा पत्र लेकर के गया कि आप ये स्टैंड नहीं ले सकते हैं। संसाधनों की व्यवस्था करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का काम है, खाली राज्य सरकार का ही मसला नहीं है, इसलिए नए जिलों का सृजन होना चाहिए। देवभूमि न्यूज़ मसूरी।